श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस है। इस महान संपूर्णता दिवस की बहुत बहुत बधाई, जिसे समुचा सिख जगत इस महान पावन पुरब को मना रहे हैं। उत्थे तक श्री दमदमा साहब वालों भी इस पावन पुरब को मनाने के विशेष उपराले किए गए। कल रात भी संती साजन के नाल गुरु के रबादियों ने कीर्तन किया सी, और अज श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति के बाद तख्त साहब विखे दीवान सजे है, जिसे विद्वान कथावाचकों ने कथा द्वारा संगतों को निहाल किया। हरिमंदर साहब जी के श्री दरबार साहब जी के रागी जिथे कीर्तन कर रहे हैं। अज जरूरत है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लगी बाणी के बाणी के धारनी बने। सिख एक पंछी की न्याई है जिहड़ा रूहानियां दीआं बुलंदियां छोंदा है, पर उस हालत दे विच उस वक्त छोंदा है आसमान दीआं शिखरां नूं, जदों सिख बाणी ते बाणी दे खंभां दे नाल उड़दा है। बाणी ते बाणा जिहड़ा दो खंभ ने, ते इहनां दोनां खंभां दे बलबूते सिख जिहड़ा है रूहानियां दीआं अमरां दे विच उड़ारियां मार सकदा है। बाणी ते बाणी दे धारनी बणीए, खंडे बाटे दी पाल छकीए, किस्सा तारी होईए, सतत गुणा जिहड़ा है कोड़ है इहनूं असीं त्यागीए, नशे कोड़ ने नशियां नूं त्यागीए ताकि साडा जीवन सुखद हो सके। एक बारी फिर मैं संपूर्णता दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का इहदियां बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस है। इस महान संपूर्णता दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां। जिथे समुचा सिख जगत इस महान पावन पुरब को मना रहे हैं, उत्थे तक श्री दमदमा साहब वालों भी इस पावन पुरब को मनाने के विशेष उपराले किए गए। कल रात भी संती साजन के नाल गुरु के रबादियों ने कीर्तन किया सी, और अज श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति के बाद तख्त साहब विखे दीवान सजे है, जिसे विद्वान कथावाचकों ने कथा द्वारा संगतों को निहाल किया। हरिमंदर साहब जी के श्री दरबार साहब जी के रागी जिथे कीर्तन कर रहे हैं। अज जरूरत है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लगी बाणी के बाणी के धारनी बने। सिख एक पंछी की न्याई है जिहड़ा रूहानियां दीआं बुलंदियां छोंदा है, पर उस हालत दे विच उस वक्त छोंदा है आसमान दीआं शिखरां नूं, जदों सिख बाणी ते बाणी दे खंभां दे नाल उड़दा है। बाणी ते बाणा जिहड़ा दो खंभ ने, ते इहनां दोनां खंभां दे बलबूते सिख जिहड़ा है रूहानियां दीआं अमरां दे विच उड़ारियां मार सकदा है। बाणी ते बाणी दे धारनी बणीए, खंडे बाटे दी पाल छकीए, किस्सा तारी होईए, सतत गुणा जिहड़ा है कोड़ है इहनूं असीं त्यागीए, नशे कोड़ ने नशियां नूं त्यागीए ताकि साडा जीवन सुखद हो सके। एक बारी फिर मैं संपूर्णता दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का इहदियां बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस है। इस महान संपूर्णता दिवस दीआं बहुत बहुत बधाइयां। जिथे समुचा सिख जगत इस महान पावन पुरब को मना रहे हैं, उत्थे तक श्री दमदमा साहब वालों भी इस पावन पुरब को मनाने के विशेष उपराले किए गए। कल रात भी संती साजन के नाल गुरु के रबादियों ने कीर्तन किया सी, और अज श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति के बाद तख्त साहब विखे दीवान सजे है, जिसे विद्वान कथावाचकों ने कथा द्वारा संगतों को निहाल किया। हरिमंदर साहब जी के श्री दरबार साहब जी के रागी जिथे कीर्तन कर रहे हैं। अज जरूरत है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लगी बाणी के बाणी के धारनी बने। सिख एक पंछी की न्याई है जिहड़ा रूहानियां दीआं बुलंदियां छोंदा है, पर उस हालत दे विच उस वक्त छोंदा है आसमान दीआं शिखरां नूं, जदों सिख बाणी ते बाणी दे खंभां दे नाल उड़दा है। बाणी ते बाणा जिहड़ा दो खंभ ने, ते इहनां दोनां खंभां दे बलबूते सिख जिहड़ा है रूहानियां दीआं अमरां दे विच उड़ारियां मार सकदा है। बाणी ते बाणी दे धारनी बणीए, खंडे बाटे दी पाल छकीए, किस्सा तारी होईए, सतत गुणा जिहड़ा है कोड़ है इहनूं असीं त्यागीए, नशे कोड़ ने नशियां नूं त्यागीए ताकि साडा जीवन सुखद हो सके। एक बारी फिर मैं संपूर्णता दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का इहदियां बहुत बहुत बधाइयां दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।